बच्चों, मैं पूनम श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 5, पाठ का नाम है संज्ञा, लेकर आई हूँ। ठीक है, जिसमें पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही पढ़े थे, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आज जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ व्यक्तियों के नाम दिया गया है, भगत सिंह, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन। स्थानों के नाम में है दिल्ली, भारत, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा इमारतों के नाम। ठीक है, इमारतों के नाम में ताजमहल आ जाएगा, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर यहाँ लिखा हुआ ही है। दिनों व महीनों के नाम, दिनों में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा दिसंबर तक। ठीक है, त्योहारों के नाम में दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, यानी जितने त्योहार के नाम होते हैं। देशों के नाम भारत, जापान, नेपाल। ठीक है, और नदियों के नाम में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितने नदी के नाम होते हैं सब आ जाएंगे। खेलों के नाम में बैडमिंटन,